फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनीज कलेक्शन। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक मीशो हॉल, जिसमें कि मैंने लिए हैं गाउन्स, कुर्तीज, लहंगास, एक ड्रेस मटेरियल भी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। सारे के सारे डिजाइनर हैं एंड फेस्टिव वेयर है, वेडिंग का सीजन आ रखा है तो भी ये प्रोडक्ट्स आप फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। एक लहंगा तो मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, तो वो तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। जिस प्राइस में वो मुझे मिल गया है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा होगा। तो वो होता है ना कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कुछ मिल जाए। तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के आपको ट्राई ऑन भी दिख जाएंगे, बस वो ड्रेस मटेरियल का आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगी। मीशो की जानकारी थोड़ी सी आप लोगों को दे दूं, मीशो एक रीसेलिंग ऐप है जिससे कि लाखों लोग इंडिया में आज के डेट में पैसे कमा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं रीसेलिंग कर करके। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीशो से खुद के लिए होलसेल रेट पे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। इस हॉल को देखने के बाद कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों को पसंद आता है और आप लोगों ने मीशो ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो गाइज एक लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ। उस लिंक से अगर आप मीशो ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा फ्लैट 30-40% तक का डिस्काउंट आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। तो इस ऑफर को जरूर से अवेल करें एंड मीशो ऐप मेरे दिए गए लिंक से ही डाउनलोड करें। रेफरल कोड आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस रेफरल कोड को आपको डालना पड़ेगा तो आपको फर्स्ट परचेज पे अप टू 100 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोडक्ट मैं अपने फेवरेट वाले कलेक्शन से स्टार्ट करने वाली हूँ, जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया है गाइस, वो है ये लहंगा। स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा कि क्या चीज मैंने लिया है। गाइस, दिस इज द लहंगा यार, वाओ। ये पूरा लेंथ आपको मैं दिखा रही हूँ, पूरा जो है ये फैब्रिक वेलवेट का है एंड वेलवेट के ऊपर सिक्विन वर्क किया हुआ है। जो कलर मैंने लिया है रेडिश मरून है, तो ब्लैक के ऊपर बहुत अच्छा है इसका। एंड ये जो सिक्विन वर्क वाले ना, बहुत सारे ऐसे चुभने वाले होते हैं कपड़े, बट ये चुभ नहीं रहा है गाइस, बिकॉज ये वेलवेट के ऊपर है तो बहुत सॉफ्ट ही लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको चुभेगा एंड आपको अनकम्फर्टेबल कर देगा, बिल्कुल सही है। इसके ऊपर में जो इसका पट्टी है वो आप देख सकते हैं, वो वेलवेट का है ब्लैक कलर के। एंड मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल थे, लाइक ब्लू था, ब्लैक था, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोडक्ट कोड आप लोगों को दे दूंगी, सर्च बार पे मीशो के अगर वो प्रोडक्ट कोड टाइप करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट दिख जाएगा। तो गाइस, दिस इज द लहंगा। देखिए, मैं इसीलिए दूर बैठी हूँ ताकि मैं आप लोगों को पूरा दूर से दिखा सकूं। दिस इज द लहंगा गाइस, वाओ, लुक एट द शाइन। एंड इसके अंदर भी इस तरह का पॉलिस्टर का लाइनिंग प्रोवाइड किया हुआ है। प्लस गाइस, जो सबसे अच्छी चीज है वो है कि इसमें आपको कैन कैन भी लगा हुआ है। ये देखिए, कैन कैन है, प्लस ये जो इसका बॉर्डर है इस पे भी वो हार्ड वाली पट्टी लगी हुई है, तो ये एक अच्छा सा आपको फ्लेयर दे देगा। बहुत ज्यादा तो फ्लेयर नहीं दे रहा है इस कैन कैन के बावजूद भी, तो आप चाहे तो आप अपना एक कैन कैन स्कर्ट परचेज कर सकते हैं इसके साथ पहनने के लिए, बट अदरवाइज इसका जो फ्लो है पहनने के बाद वो बहुत अच्छा आ रहा था, तो विदाउट दैट ऑल्सो ये बहुत अच्छा लगेगा। कपड़े के भी जो बॉर्डर पे इस तरह का हार्ड सा एक लेयर दिया हुआ है तो ये स्टिफ रखेगा नीचे से। इस साइज एक्सेल साइज तक हो जाएगा, आई मीन 44 इंचेस तक जिसका वेस्ट है उसको भी ये आ जाएगा इजीली। एंड इसका लेंथ है 42 इंचेस। इस लहंगा के साथ बिल्कुल डिजाइनर ब्लाउज मिला है, ये देखिएगा, स्टिच्ड ब्लाउज। ओके, मैंने आपको इसका प्राइस नहीं बताया ना, इसका प्राइस सुन के आप हैरान हो जाने वाले हैं, क्योंकि मैं भी हो गई थी। इस 1300 का है ये लहंगा, 1300 में ये कैन कैन के साथ लहंगा मिल रहा है, ये स्टिच्ड ब्लाउज डिजाइनर ब्लाउज मिल रहा है गाइस। डिजाइनर ब्लाउज ही आजकल 1300 में मिलता है अगर आप स्टिच कराते हैं तो, क्योंकि इसमें देखिए पैडिंग भी की हुई है, प्लस इस तरह का कॉलर वाला डिजाइन बना हुआ है सिक्विन वर्क के साथ। ये देखिए, हैंड पे भी इस तरह की सिक्विन वर्क की हुई है। एंड ये जो मटेरियल है ब्लाउज का, ये है आर्ट सिल्क। बैक भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखिए, ये इसका बैक है, ये मटका वाला डिजाइन है बैक पे। इस तरह के हुक्स लगे हुए हैं इस पे, डोरी दी हुई है, डोरी पे भले ये इस तरह का दिया हुआ है तो आप इसे चेंज करके और लटकन लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लग जाएगा
बहुत सुंदर लगेगा। बैक से भी आप लटकन लगा लेंगे तो एकदम रेड कलर का या गोल्डन कलर का आप लटकन लगवा सकते हैं। ये मुझे थोड़ा सा लूज हो रहा था पहनने के बाद, मेरा शोल्डर फॉल कर रहा था तो मुझे ऐसे फिटिंग का कराना पड़ेगा। एक्सेल साइज तक के लोगों को ये ब्लाउज फिट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइस अंदर में भी जगह है, ये देखिए अंदर में भी जगह है एंड मेरा साइज मीडियम है, फिर भी ये मुझे लूज हो रहा था। तो लार्ज वालों को तो इजीली आ जाएगा, मतलब उन्हें कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड जिनका साइज एक्सेल है उन्हें यहाँ से थोड़ा सा खुलवाना पड़ेगा। दुपट्टा जो है ये नेट का है एंड नेट के चारों ओर सेम वो सिक्विन जैसा लहंगा पे था, सिक्विन वर्क वाला वेलवेट वाला बॉर्डर दिया हुआ है पूरे दुपट्टे पे, प्लेन ब्लैक दुपट्टा विथ दिस काइंड ऑफ वर्क। 2.25 मीटर का दुपट्टा है, नेट बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है बट बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, मीडियम क्वालिटी का नेट है। इस लहंगे को आप वेडिंग में भी पहन सकते हैं, कोई फेस्टिवल है तो उसमें पहन सकते हैं, कोई फंक्शन है उसमें पहन सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इस तरह का गाउन, एक्चुअली ये कुर्ती में मेंशन था इस, बट इट्स लाइक अ लॉन्ग गाउन, इसके नीचे कुछ पहनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैर तक है। I mean, जिनकी हाइट 5'5", 5'6" है उन्हें भी ये पूरा फुल लेंथ आएगा। एंड ये गाइस देखिए इसका ये नेक इस तरह का है, इसका स्लीव्स देखिए, जो मटेरियल है वो जॉर्जेट है इसका एंड ये जिफा ब्रांड का है। मेरे पास लार्ज साइज आ गया है, ये इसका लार्ज साइज मुझे आ रहा था, क्या पता शायद मैं मोटी हो गई। ये जो वर्क है आप देख सकते हैं ये थ्रेड वर्क है, गोल्डन थ्रेड से वर्क किया हुआ है एंड इस पे लगे हुए हैं छोटे छोटे नग। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, आपको ट्राई ऑन में भी दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे नेट लगा हुआ है, आप चाहें तो इसके अंदर कपड़ा लगवा सकते हैं अगर आप वो चीज नहीं चाहते हैं, और अदरवाइज आप स्पेगेटी वगैरह कुछ पहन सकते हैं अंदर। एक्चुअली दिस इज स्टाइल फॉर दिस कुर्ता, तो लुक में ये अच्छा लग रहा था, वैसा कुछ बुरा नहीं लग रहा था ये। एंड यहाँ से गाइस योक से ये देखिए कट है एंड यहाँ से पूरा ही ए लाइन हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्लेयर है इस ड्रेस में। ट्राई ऑन में आपको दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा फ्लेयर है, बट नीचे पूरा ये प्लेन है, आगे पीछे पूरा प्लेन है। जो डिजाइन है वो नेक पर ही है, ये इस तरह का कॉलर भी दिया हुआ है सामने में, यहाँ पे ये बटन है। तो कलर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, पिस्ता कलर, एंड इसका डिजाइन भी अच्छा लगा है एंड जिस तरह का पिक में दिख रहा था एग्जैक्टली वैसा ही निकला है, तो बहुत सुंदर है। एंड जिफा ब्रांड का मैंने पिछला एक हॉल किया था जिसमें मैंने सिर्फ इसी ब्रांड के कुर्ती या गाउन जो भी आप बोले वो परचेज किए थे एंड वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसीलिए मैंने फिर दोबारा ये परचेज किया है सेम ब्रांड का डिफरेंट पैटर्न में। एक्सेल साइज तक इसमें साइज अवेलेबल है एंड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। अंदर में इसका जो पॉलिस्टर का कपड़ा का लाइनिंग प्रोवाइड किया हुआ है इसके अंदर एंड फ्लेयर्स तो आप देख सकते हैं, ये अलग से दो ऐसे कपड़े लगे हुए हैं जिससे कि इसका फ्लेयर, इसका लुक ही कुछ और आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है पहनने के बाद, देखने में जैसा लग रहा है उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है ये पहनने पे। एंड इसका प्राइस भी उतना ही अच्छा है गाइस, 760 के करीब ये मुझे मिला है, तो कहाँ मिलते हैं इस प्राइस में इस तरह का फुल गाउन। थर्ड अगेन सेम जिफा ब्रांड का ही है, पैटर्न सेम ही है जैसा पिछला वाला मैंने आप लोगों को दिखाया था, नीचे से वैसा ही फ्लेयरी है एंड लाइनिंग भी सेम उसी तरह की दी हुई है, ये देखिए गाइस ये पॉलिस्टर सैटिन टाइप का शाइनी लाइनिंग है अंदर से। एंड इसका नेक मैं दिखाती हूँ, इसका नेक मुझे काफ़ी यूनिक लगा था इसीलिए मैंने, एंड ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, पीच कलर है। एंड ये देखिए गाइस इसके नेक पे इस तरह का वर्क है, राउंड नेक है एंड यहाँ सिर्फ इधर साइड में डिजाइन है एंड ये दो ऐसे लेयरिंग किया हुआ है, तो इससे जो बॉडी शेप है ना वो बहुत अच्छा सा आ रहा था, तो अच्छा लग रहा था। हैंड स्लीव्स इसका सिंपल है, लॉन्ग स्लीव्स है एंड यहाँ पे एंड पे इस तरह का एक बटन दिया हुआ है एंड बाकी ये पूरा प्लेन कुर्ता है एंड वही सेम जैसा मैंने पिछले वाले का बताया था, साइज एक्सेल तक अवेलेबल है इसमें एंड नाइस कुर्ता, नाइस गाउन। आप इसे इन दो जो मैंने आप लोगों को गाउन दिखाया है आप इजीली किसी भी शादी वादी में या फिर कोई फंक्शन में, कॉलेज गर्ल्स के लिए भी ये बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अलग ही एलिगेंट सा लुक ले आएगा ये आप लोगों पे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट है, मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसका रिव्यू करूँ, तो यस गाइस मैंने आप लोगों के ही कहने पर इस स्कर्ट
ये उस पर लहंगा के कैटेगरी में था, बट दिस इज अ स्कर्ट विथ टॉप का सेट। तो इसका प्राइस है 1175। एंड ये गाइस आप देखेगी इस तरह का लहंगा ही बोल लीजिए, लहंगा टाइप का स्कर्ट है, प्लेन सा है, मटेरियल जो है वो क्रेप है, एंड इस पे पूरा जो प्रिंट बना हुआ है ऐसे सर्कल सर्कल। ये देखने में तो सिंपल लग रहा था पर पहन के इसका लुक अच्छा लगा मुझे। इसके अंदर की लाइनिंग ये देखिए, ऐसी शाइनिंग पॉलिस्टर की लाइनिंग है इसके अंदर, एंड ये जो कपड़ा है ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो पहन के ये जो प्रोडक्ट है ये गर्ल्स पे बहुत अच्छा लगेगा, जो टीनेज गर्ल्स है, कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, उनके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। बट या ये आप बिल्कुल शादी वादी वाला तो चीज़ नहीं है। नीचे में कुछ ऐसे हार्डनेस कुछ भी नहीं है, प्लेन, एंड सेम मटेरियल का ऊपर का ब्लाउज का कपड़ा दिया हुआ है। दिस इज द कपड़ा। इस स्कर्ट में साइज अप टू 42 इंचेस तक का साइज अवेलेबल है। इसका लेंथ भी 44 इंचेस है, एंड ब्लाउज का मटेरियल भी अच्छा खासा प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखिए जैसा पिक में है, अगर आप उस तरह का ही ब्लाउज सिलवाते हैं तो इसका लुक बहुत अच्छा आ सकता है। अदरवाइज आजकल टेलर पे भी भरोसा नहीं है, हम कुछ और बोलते हैं वो कुछ और बना देता है, तो अगर वो कुछ और बना दिया तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहेगा, क्योंकि इस पूरे ड्रेस का जो लुक है वो इसके ब्लाउज पर ही डिपेंड करता है। तो इसका ब्लाउज अच्छे से सिलवाइएगा। अदरवाइज प्राइस के हिसाब से मुझे ये कुछ बहुत ज़्यादा सही नहीं लगा, लाइक 1175 में सिर्फ ये दो चीज़ मिल रहा है। इस पर कुछ खास काम भी नहीं है, कपड़ा भी इस क्रेप, बट क्रेप में भी पूरा एकदम प्योर क्रेप नहीं है, दिस इज अ मिक्स्ड कपड़ा। प्राइस के वर्थ नहीं लगा मुझे ये, ऐसे अच्छा है बट प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इसका। आप देख सकते हैं कम प्राइस में जो गाउन्स दिखाए हैं मैंने, वो ज़्यादा लैविश लग रहा है, ज़्यादा सुंदर लग रहा था पहनने के बाद। प्राइस वाइज उतना कुछ खास नहीं लगा, अदरवाइज आप अगर चाहें तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, पहन के ओके लग रहा था। गाइस जो फिफ्थ प्रोडक्ट है ये भी वेडिंग सीजन के लिए बिल्कुल एप्ट है। पिक में आप देख पा रहे होंगे कि कैसा मैंने ड्रेस देखा था, और मुझे नहीं पता था कि ये स्टिच नहीं होगा, मैंने सोचा था कि ये स्टिच्ड मिल रहा है, बट ठीक है विदाउट स्टिच भी 800 समथिंग का है ये, तो अच्छा लगा मुझे। कि देखिए गाइस ये इसका नेक आएगा, दिस इज अ ड्रेस मटेरियल, एंड ये लॉन्ग कुर्ता के लिए है, ये उसका नेक आएगा। स्लीव्स भी इतना लंबा सा प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब फुल लेंथ स्लीव्स आप इसका बनवा सकते हैं, एंड ये लाइक सेमी स्टिच्ड है, ये ऐसे इसका पैटर्न पूरा स्टिच्ड मिल रहा है। ये देखिए इसका पैटर्न है, नीचे से अनारकली डिज़ाइन आ रहा है, तो ये देखिए ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, एंड नीचे का पैटर्न आप देख सकते हैं, आपको ट्राई ऑन में ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने हल्का सा किसी तरह से बस लगा के दिखा दिया था। तो गाइस दिस इज द वर्क जो कि इस पूरे कुर्ता का, इस पूरे ड्रेस का जान होगा, क्योंकि बहुत सुंदर लगेगा नीचे से, ये इसका मेन शो है। ये पूरा गोल्डन जरी से थ्रेड वर्क किया हुआ है, इसके साथ मिला हुआ है इसके अंदर का लाइनिंग, तो आप इससे, आपको लाइनिंग अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल शाइनी मटेरियल का लाइनिंग दिया हुआ है। देखिए मटेरियल अच्छा है, ये भी आर्ट सिल्क लग रहा है एंड शाइनी है तो अच्छा है। एंड गाइस इसका दुपट्टा भी अगेन सेम ब्लू कलर का है, एंड इस पे भी देखिए बॉर्डर इसका वही सेम जरी वाला वर्क किया हुआ है, बहुत सुंदर से फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब अगर आपका टेलर अच्छा है ना तो इसका लुक बहुत अच्छा आ सकता है इस ड्रेस का। ये देखिए वाओ, एंड ये कलर भी बहुत रॉयल है। इस ड्रेस मटेरियल में भी और भी कलर्स अवेलेबल थे, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये नेक पीस पसंद आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने मीशो से परचेज किया था। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर ज्वेलरी हॉल, मीशो ज्वेलरी हॉल किया हुआ है, तो वो आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना ये। इसके साथ ईयरिंग्स एंड मांगटीका भी था, बट वो फॉर सम रीजंस मैं नहीं पहन पाई। तो गाइज यही थे मेरे कुछ आज के कलेक्शंस, वेडिंग वेयर, फेस्टिव वेयर। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, एंड अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है और यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं कि आप लोगों को कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया, एंड गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब बटन नीचे में आपको रेड कलर का दिख जाएगा, उसे ज़रूर से क्लिक कर लें गाइज, थोड़ा सा मोटिवेट करें मुझे सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए।
सो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलेंगे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में. चलते हैं. बाय. टेक केयर. सी यू एंड गुड लक. बाय.